बंद कर लो सोनी जी, सोनी जी, सोनी माइक बंद कर लो, सोनी माइक बंद कर लो, और जिसका माइक ऑन हो वो अपना माइक ऑफ कर ले। चलो ब्राउजर पे आ जाओ। अब देखो मैं थोड़ा चेंजेस करवा रहा हूँ, ब्राउजर पे आ जाओ। ब्राउजर पे आ जाओ, ब्राउजर पे। हाँ बोलो बोलो। ठीक है चलो रेस्ट। अब वहाँ पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाओ। हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया था, अब डैशबोर्ड पे आ जाओ। डैशबोर्ड पे सब लोग डैशबोर्ड पे आ जाओ। अब नीचे आओ, अब नीचे आओ। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बीटेक का रजिस्ट्रेशन कराना है, बीसीए का रजिस्ट्रेशन कराना है, एमसीए का। तो हमने क्या करना है, हमने लास्ट क्लास में बोला था इस पर क्लिक करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल यूज करेंगे। मॉडल क्या यूज करेंगे अपन, बूटस्ट्रैप का मॉडल लगाना सीखेंगे, है ना। क्यों अलग पेज बनाया, कल देखा था ना, अलग पेज बनाओ फिर राउट बनाओ। तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे मॉडल। क्लियर हो गया। तो बूट स्टेप की वेबसाइट चलो देखो, गेट बूट स्टेप। गेट बूट स्टेप ओपन कर लो सोलो वेबसाइट को, है ना। वहां पे सर्च करो, यहाँ पे सर्च करो मॉडल। सबको बूट स्टेप आता है, बैच जितने लोग हैं जूम कर लो, हम पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे सर्च करो मॉडल, मॉडल सर्च करो मॉडल जल्दी से। सर्च लिखा है, सर्च में लिखो मॉडल, क्लिक करो मॉडल पे, नीचे आ जाओ। नीचे स्क्रॉल करो भाई, कौन सा स्क्रॉल कर रहे हो, मॉडल को बीच में स्क्रॉल करो कि नीचे, बस धीमे धीमे करो नीचे स्क्रॉल, और नीचे करो, और नीचे करो, बस दिख रहा लैब वाला, बस 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 इतना ही। अब जो मॉडल वाला जो कोड कॉपी करो, लिखा ना मॉडल डिप से नीचे नीचे जी, कॉपी कर लो, कमेंट से कॉपी कर लो, कमेंट से ही, कमेंट से ही कॉपी कर लो। सब लोग देख लो, आप लोग को भी कॉपी पेस्ट करना है अभी। अब मॉडल सबके पास पहले से होगा, ये कॉपी करो। अब आओ चलो कोड में, चलो कोड में आ जाओ और डैशबोर्ड पे आ जाओ। डैशबोर्ड डॉट ईजीएस पे आ जाओ और सबसे लास्ट में आ जाओ। ये बंद करना, ये 11148 वाला कोड को ये बंद करो। और ये नीचे पेस्ट, जो स्क्रिप्ट इसमें कहाँ से आ गई जी तुम्हारी, फुटर तो हेडर में जाएगा ना, ये हेडर फुटर तो क्यों, तुमने इसी में क्यों पेस्ट कर रखा है, हेडर फुटर बनवाया नहीं मैंने अभी। दिखाना ऊपर चलना, टॉप पे ऊपर चलो, टॉप पे ऊपर चलो, और टॉप पे चलो, टॉप पे चलो, सुबह सब सुबह। चलो पहले एक काम कर लेते हैं सब लोग, पहले अपन ये हेडर फुटर वाले कोड को अलग कर लेते हैं, है ना। हमारा सारा एक ही पेज में चल रहा है हेडर फुटर, हम हेडर वाला काम हेडर में कर लेते हैं, फुटर वाला काम फुटर में कर लेते हैं, और फिर उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर सब लोग। तो चलो अब व्यूज के अंदर सब लोग, व्यूज के अंदर एक बनाओ, दो बनाओ फाइल ने, हेडर डॉट ई जी एस, फुटर डॉट ई जी एस के नाम से, हेडर डॉट ई जी एस और फुटर डॉट ई जी एस, हेडर डॉट व्यूज के अंदर दो फाइलें बनेंगी, हेडर डॉट ई जी एस, फोटा डॉट ई जी एस। माइक बंद कर लो, किसी को माइक ऑन है। हाँ जी, हाँ हो रही हो रही हो रही, हाँ हो रही हो रही हो रही। हेडर डॉट ई जी एस, फुटर डॉट ई जी एस के नाम से लो फाइल सब लोग, बन गई फाइल है, हेडर डॉट ई जी एस, फुटर डॉट ई जी एस के नाम से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेबसाइट चलो, वेबसाइट पे डैशबोर्ड डॉट ई जी एस पे आ जाओ। डैशबोर्ड डॉट ई जी एस पे आ जाओ, पहले कोड में बोला है, कोड में डैशबोर्ड डॉट ई जी एस पे आ जाओ। अब देखो हेडर वाले पार्ट में पता कहाँ तक कॉपी करते हैं हम लोग, सब 2 मिनट सुनो। ये नेब से नेब बंद करो, नेब बंद करो,
नेब बंद करो, नेब से नेब बंद करो, एक बार सब पहले देख लो सारे लोग, सारे लोग पहले देख लो हम हेडर में कहाँ तक कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। जो नेब बंद हो गया, सबने नेब काम नेब पे काम किया होगा, नेब से नेब बंद हो गया, यहाँ से कॉपी करो ऊपर तक लाइन नंबर एक पे चलो, लाइन नंबर एक से लेके सब लोग ऊपर ऊपर तक, ऊपर लाइन नंबर एक तक ये कॉपी कट कर दो यहाँ से, ये पूरा कट कर दो यहाँ से, पूरा एक ले लो, कट कर दो यहाँ से, कट कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स हो जाता है बस। लाइन नंबर एक से लेके जहाँ पे आपका नेब बार एंड हो रहा होता है ना, वो हम कॉपी पेस्ट करके कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब वहाँ पे हेडर डॉट ईजीएस में जाओ, हेडर वाली फाइल में जाओ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। और सेव कर दो, ठीक है सब लोग। अब देखो, अब जो पूरा को ऐसी कोड बंद करो, फुटर वाला काम करेंगे। अब नीचे आ जाओ, फुटर कहाँ तुम्हारा, फुटर कहाँ से चालू हो रहा है? हाँ ये कोड कॉपी करो, नीचे तक ले जाओ उसको। फुटर कहाँ तक बंद होगा? नीचे तक, सबसे लास्ट तक, जहाँ पे एचटीएमएल का टैग बंद हो रहा होता है, जहाँ पे एचटीएमएल का टैग बंद हो रहा है वहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लो, कट कर दो, कट कर दो, कट। और फुटर में जाके पेस्ट कर दो और सेव कर लो। करो इतना काम करें आप जल्दी फटाफट, ऊपर चलो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे डैशबोर्ड पे, आ जाओ सबसे ऊपर आ जाओ। हाँ अब सबसे लाइन नंबर एक पे आ जाओ, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। देखो लेस देन परसेंट, अब देखो हम ईजीएस का सिंटैक्स यूज करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट एंड ईजीएस पे चला है ना, तो हमें क्या करना है, हेडर को इंक्लूड करना है। तो देखो लेस देन परसेंट, ये सिंटैक्स होता है ईजीएस का, परसेंट, परसेंट लगाओ, स्पेस दो थोड़ा और जाके, स्पेस और दो स्पेस, परसेंट ग्रेटर देन, परसेंट ग्रेटर देन, ये सिंटैक्स होता है ईजीएस का, ठीक है ना, समझ आ गया। अब इसी में लगाओ माइनस, परसेंट को लगाओ माइनस, लेस देन परसेंट के बाद माइनस, साथ में इंक्लूड करने के लिए। अब स्पेस दो, देखो इंक्लूड, इंक्लूड सब लोग, फंक्शन का साइन, अब उसके अंदर रखो सिंगल कोट में डॉट स्लैश स्लैश, वो आ रहा है देखो हेडर, हेडर हाँ। अब ये कॉपी के नीचे पेस्ट कर दो, जहाँ फुटर कर देना, ये कॉपी कर लो, अब फुटर में कॉपी कर लो, जिससे हमें हेडर फुटर बार बार पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ लास्ट में पेस्ट कर लो, यहाँ फुटर लिख दो, फुटर सेव कर लो, रन कर लो। अब जाके चेक करो कोई बिगड़ा तो नहीं कुछ भी, देखो सही है बिल्कुल। अब इनको ही दिखा दो, आप लोग भी कर लेंगे वाला काम। हो गया इतना, सबका हेडर फुटर आ गया।
बोलो भैया, जल्दी बोलो सब लोग, सबने। तब इससे फायदा क्या मिला, हमने हेडर वाला काम हेडर में कर लिया और फुटर वाला काम फुटर में कर लिया, ठीक है सब लोग। तो चलो ऊपर चलो, अब इससे क्या पंगा, थोड़ा हमारा कोड सही हो गया। अब ये थोड़ा कोड बंद कर लो, नेट सही से सेट करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक कर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करो, हाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो ना सही से। ये डिप बंद करना, ये चलो डिप बंद करना, सही पहले से होगा। ये लाइन फाइव बार डिप बंद करो, हाँ, और ये 43 बार डिप बंद करो, ठीक है। अब देखो कोड कितना, ये थोड़ा 95 वाले थोड़ा खिसका लो। अब कोड देखो कितना सही लग रहा है देखने में। अगर आप लोग कोड में कमेंट वमेंट नहीं कर रहे होगा ना, तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मॉडल कॉल करना है अपना मॉडल। तो अब मॉडल वाला कोड यहाँ पेश कर पाएंगे 93 पे, ठीक है। तो चलो वहाँ से मॉडल कॉपी करो, बूट स्टेप से ओपन था ना पहले से। ये देखो ये कॉपी करना है सब लोग, ये मॉडल कॉपी करो और चलो वहाँ पे आके पेस्ट करो नीचे, यहाँ नीचे पेस्ट करो, ठीक। ऊपर चलो, हाँ थोड़ा एंटर दे दो, थोड़ा एंटर दे दो और उसमें लिख दो बीटेक मॉडल, लिख दो बीटेक मॉडल, ठीक है सब लोग करो। अब इसकी आईडी चेंज कर दो, आईडी बीटेक कर दो, आईडी बीटेक कर दो। बाकी आप लोग पेस्ट करें, अरे मॉडल वाला कोड है ये नहीं। ज्वाला ज्वाला जी, लंच डेमो मॉडल वाला, मॉडल वाले कोड पे चलो, नहीं को ब्राउजर, ब्राउजर पे, ब्राउजर पे ऊपर चलो, बटन दिखा, बटन दिखा जी, डेटाबेस टॉगल लिखा है ना, डेटाबेस टॉगल और डेटाबेस टारगेट, जी पेस्ट कौन भी करो, अकेला अकेला डेटाबेस टोगल टारगेट, बटन के अंदर से डेटाबेस टोगल और डेटाबेस टारगेट दोनों कौन भी करने हैं, डेटाबेस टोगल और डेटाबेस टारगेट पूरी सी कौन भी करो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर टॉप पे, और कहाँ गया ये कोड खोलो, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एंकर टेक दिख रहा है, एंकर टेक हाँ, इसके बाहर डबल कोट के बाहर सब लोग बीटेक क्या, जो एंकर टेक होगा ना रजिस्ट्रेशन का, इसके बाहर पेस्ट कर दो, बाहर यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पे डबल कोट बाहर, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पर ही इस जगह पेस्ट कर दो, और जहाँ लिखा है ना हैश, जो लिखा है ना हैश एग्जाम मॉडल, और यहां लिखो क्या नाम है, क्या था, बीटेक,
अब चेक करो इनको भी क्या लेना होता। अब चेक करो जाके, अब बटन में चेक करो बटन में क्लिक हो रहा है, और इसमें एचआरएफ में हैश लगा दो, एचआरएफ के अंदर हैश लगा देना, एचआरएफ के अंदर हैश लगा दो हैश, सेव करके रन करो, रिफ्रेश करो, अब बटन पे क्लिक करो, देखो सब मॉडल चल रहा है, ये देखो आ गया। ऐसे आप लोग चेक करें मॉडल भी नहीं चाहता, उसमें बनाते हैं फॉर्मा बूट बढ़िया, चेक करो क्यों नहीं आ रहा मॉडल। चलो डिजाइनिंग की वगैरह ठीक करेंगे तो हम कैसे काम खींचेंगे अपन लोग। चलो आप मॉडल बॉडी में आ जाओ, चलो मॉडल बॉडी देखो फॉर्म स्टार्ट करो, सब लोग साथ साथ करते जाना, चलो जटा सब लोग साथ साथ लिखते जाना, देखो फॉर्म फॉर्म स्टार्ट करो, फॉर्म एंड करो, डिप के अंदर क्लास लाओ MB3, डिव के अंदर क्लास MB3, क्लास MB3, उस अरे अंदर उसके अंदर MB फॉर बॉय भूल गए, बंद करो, फिर लेबल में लिखो नेम, ईमेल लेबल लिखो नेम, नेम फिर इनपुट ले लो टाइप में टेक्स्ट, इनपुट टाइप में टेक्स्ट, और इसके बाद नेम में लिखो नेम, और नेम के अंदर नेम तो लिख दो, डेटा सीमा आके स्टोर होगा, क्लास क्लास ले लो फ्रॉम कंट्रोल, याद होगा फूट स्टाफ के फॉर्म फ्रॉम कंट्रोल, ये बंद कर दो। अब इस डिप को कॉपी कर लो, बस डिप कॉपी करो MB3 वाली पूरी डिप, सही से देख लो, थोड़ा गैप कम कर लो उसमें, जो कॉपी करो नीचे, इसको नाम दो ईमेल, ईमेल यहाँ पे ईमेल कर लो, और टाइप में ईमेल कर लो, अब पेस्ट नीचे पेस्ट करो, नेम ईमेल, फोन नंबर लो फोन नंबर, फोन नंबर कर लो टाइप है नंबर, बाकी लोग साथ साथ करते जाओ, है ना नंबर, फिर कॉपी करो, है ना यहाँ पे लिखो क्या नाम है, नहीं फोन नंबर हो गया, और क्या क्या फील्ड थी, और नेम हो गया, ईमेल हो गया, और लिख लो एंटर दो। अच्छा ईमेल आ गया, लिखो 10th नंबर, 10th नंबर
टेंथ, देखो टेंथ नंबर, टेंथ नंबर ठीक है, और यहाँ पे भी टाइप नंबर कर दो, टाइप नंबर कर दो, और यहाँ पे भी कर दो टेंथ, लिख लो लिख लो लिख लिख दो यहाँ पे लिख दो टी एन टी टेंथ लिख दो, ठीक है ऐसे ले लो ट्वेल्थ, ट्वेल्थ लास्ट में ले लेना कोर्स, बाकी लोग साथ साथ करते जाएं, फिर ले लो कोर्स, देखो लास्ट में ले लो कोर्स, कोर्स उसमें बाय डिफॉल्ट कर देना बी टेक, टाइप में कर दो टेक्स्ट, और नेम में कर दो कोर्स, और एक लिखो वैल्यू, लो वैल्यू, एक लो वैल्यू, वैल्यू उसमें कर दो बी टेक, बाय डिफॉल्ट जाएगा ना वो, और इसको कर दो रीड ओनली कर दो, ये लगा दो रीड ओनली लगा दो लास्ट में, रीड ओनली, और रिक्वायर्ड लगा दो रिक्वायर्ड सब में, और रिक्वायर्ड लगा दो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड हाँ यही बस, अब इनको दिखा दो इतना, यही सब में लगा लेना बाद में, अब पहले सब लोग इतना काम भी कर लो, और बटन वाला बटन नीचे बटन वाला बटन नीचे बटन एक बटन बटन ना बटन बटन सबमिट नाम से बटन सिंपल बटन हटा दो जी, पूरा क्यों लिख रहे थे सारा सिंपल बटन बटन टाइप में सबमिट और सबमिट सबमिट और यहाँ पे सबमिट ठीक है बस, बाकी लोग नोट करें ना, जाके चेक करना ब्राउजर पे, जाके चेक करो ब्राउजर पे क्या दिख रहा है, जो फ्रेश करके चेक करो, आगे देखो ये अब मॉडल टाइटल लिखा ना यहाँ पे चेंज कर देना, बीटेक लिख दो, बीटेक बीटेक फॉर्म जब लिखा ना मोटा डाउन बीटेक कर दो जाके नीचे आके, अब देखो ये सिंपल कितना हो गया, राउट का पंगा बचा, मेथड का पंगा बच गया, अभी दिखाओ तुम्हारी चेक करूं, सब लोग मॉडल के फॉर्म पे आ जाओ, हाँ अब फॉर्म के अंदर एक्शन लिखो, सब लोग मॉडल के फॉर्म, मॉडल के अंदर फॉर्म दिया ना उसमें लिखो एक्शन, लिखो एक्शन, लिखो बीटेक इंसर्ट कोर्स लिख दो, कोर्स इंसर्ट लिख दो, कोर्स इंसर्ट, कोर्स इंसर्ट मेथड पोस्ट, कोर्स इंसर्ट स्लैश लगा देना उसके आगे स्लैश, और मेथड में पोस्ट उसके अंदर पोस्ट बस, बाकी लोग लिख लें एक्शन, चलो लिख लिया, चलो कोर्स वाले पे आ जाओ, वेब पे आ जाओ, वेब पर आ जाओ, अब चलो जो लिखा ना जो गेट हटा दो, गेट जो नहीं है मैं गेट की जगह कर दो पोस्ट कर देना, गेट रहे पोस्ट कर दो उसको बस, वो हटा देंगे पर मैं तो हटा देंगे वाला, अरे 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 महाराज जो लिखा है लाइन नंबर 17 पे,
तो उसी को तो सही करा रहा हूँ, कोर्स कंट्रोल है तो वैसे ही बनेगा। तो जहां गेट लगा है वहां पोस्ट लिख दो, ये कह रहा हूं वहां पे लिख दो कोर्स इंसर्ट। क्यों इतना सोचते हो भाई, कोर्स इंसर्ट। हाँ जैसे वहां पे लिखा था अपन ने वैसे ही लिखा ना, एक्शन में एक्शन चेक कराना। ठीक है चलो, अब वहां पर उसका नाम दे दो मेथड का, कोर्स इंसर्ट। सब लोग देखो राउट सी कर लिया, बाकी लोग भी राउट बना लीजिए वाला। बाकी लोग भी राउट बना लें। बन गया राउट सबका। जटा देना अंदर वाला पार्ट, अभी जटा देना अंदर वाला पार्ट, हटा देना ज्यादा अंदर का, ये मिटा देना जिनका बना था, सब लोग हटा दो उसको, हटा दो। कोर्स कंट्रोलर सब बना लो और इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लो। सब लोग कोर्स कंट्रोलर और मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लें और बना लो मेथड यहां पे कोर्स इंसर्ट का। बना लो कोर्स इंसर्ट कर लो, कोर्स इंसर्ट। और ये डाल देना रेंडर, यहां से रेंडर नहीं आएगा यहां पे, कंसोल डॉट लॉग करो, आर इक्यू डॉट बॉडी कर लो, कंसोल डॉट लॉग आर इक्यू डॉट बॉडी, बस सेव कर लो, बस इतना सब जल्दी करो फटाफट। वेब दिखा दो, वेब वेब देखो, वेब में कोर्स कंट्रोलर था और आप लोगों को कोर्स कंट्रोलर ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए, ऊपर रिक्वायर कर लेना ऊपर टॉप पे, इनको टॉप दिखा देना। ऊपर 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 टॉप होता है टॉप पे, देखो दिखाया रिक्वायर यहाँ पे, ये डाल देना जो मैसेज आ रहा है पॉपअप जा रहा है, देखो रिक्वायर है कोर्स कंट्रोलर, ऐसे आप लोगों का भी होना चाहिए। रिफ्रेश कर लेना और भरो कोर्स पूरा भर दो, ले लीजिए सारा कुछ। अभी अपन थोड़ी फॉर्म की फील्डों में चेंज करवाऊंगा मैं अभी, है ना, ये फॉर्म की फील्ड है आप लोगों की चेंज करवाऊंगा। कुछ भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सबमिट करो, अब जाके चेक करो डेटा आया कि नहीं आया। सब देखो डेटा आ रहा है यहाँ पे, सब देख लो नीचे डेटा उठ के आ गया, देखो डेटा आ रहा है, आप लोग चेक करो इतना डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब तो कुछ